नोबिता, ये क्या, तुम्हारे दोस्त कहाँ चले गए? वापस चले गए। उन बुरे लोगों ने हमारे दोस्तों को डराकर भगा दिया। हाँ, क्या कहा उन्होंने तुम्हें? वापस जाने को कहा, मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगी। चैमी रुको, पता है उनका बर्ताव इससे भी ज्यादा बुरा हो सकता था। एक दिन उन्होंने जंगल में आग लगा दी, जिससे हमारे खेत भी जल गए। उन्होंने नदी का पानी भी रोक दिया, ताकि हम पानी का इस्तेमाल ना कर सके। अगर हम उनकी शिकायत करते हैं, वो हमारी शिप और गोदाम तोड़ देते हैं। ये तो बहुत गलत बात है। और हैरानी की बात तो ये है कि पुलिस भी इनका साथ नहीं देती। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, लेकिन हमें खुद ही अपने प्लैनेट की रक्षा करनी पड़ती है। ये एक शॉटगन है, ये सिर्फ उन्हें बेहोश कर सकती है। निशाना तो मैंने दूसरे पेड़ पर लगाया था। सुनो, तुम्हें पृथ्वी पर आ जाना चाहिए। मैं वहाँ नहीं आ सकता, ये प्लैनेट ही मेरा घर है। अरे वाह, पकड़ो इसे, पकड़ो, ये, अरे पकड़ो। तुम्हारी वजह से हमारा बहुत नुकसान हुआ है नोबिता। हमारी जगह जो बच्चे इस मैदान पर खेल रहे थे, उन्होंने आसपास की सारी खिड़कियाँ एक दिन में तोड़ दी। कुछ समझे नोबिता? अरे ये तो अच्छी बात है ना? क्या तुम्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता? तुम जाओ और उस खतरनाक प्लैनेट पर ही खेलो, समझे? चलो ठीक है, मैं खेल लूंगा, वैसे भी मैं बहुत बिजी रहता हूँ। मैं तो लाजवाब हूँ। क्या हुआ, तुम इस खिलौने से क्यों खेल रहे हो? जब मेरा सामना गरुटाइड माइनिंग के लोगों से होगा, तब इसका इस्तेमाल करूँगा। वैसे एक बात तो कहनी पड़ेगी कि तुम शूटिंग में बहुत माहिर हो। काश तुम पढ़ाई में भी इतने अच्छे होते। मुझे पता है।
वैसे पता है पास ही में एक नई शॉप खुली है, मैं तुम्हारे लिए मेलन ब्रेड ले आऊं। मुझे बहलाइए मत नोबिता, मैं कुछ देर के लिए भैया को यहाँ से ले जा रही हूँ। आप मुझसे बच के नहीं भाग सकते। हैंड कैच। वो तो चला गया। लोपल के पास जाकर वहां की खबर लेता हूं। अरे सुनो लोप,